नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो आज जो टॉपिक है ना, वो ये है कि मैं आपको पुराने गमले की मिट्टी को बरसात के लिए हम किस तरीके से तैयार करें, मैं वही आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको अपने दो ये प्लांट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, वाइट हिबिस्कस है। मेरे पास था नहीं, हिबिस्कस बहुत सारे थे, रेड और ऑरेंज, रेड येलो डबल पेटल बहुत सारे, काफ़ी सारे थे, पिंक विंक, बस मेरे पास ये वाइट नहीं था। तो ये मैंने लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब अभी तो दोपहर का समय है, करीब 3 वीन बजने वाला होगा, तो जो है ना ये थोड़ा फेड हो गया है और यहीं ऐसे ही धूप में ही रखा हुआ है। इतनी तेज़ धूप आ रही है, टेम्परेचर भी 43-40 के आसपास है, मतलब 43-44 के आसपास का है। और ये दूसरा प्लांट लिया है मैंने, मॉर्निंग ग्लोरी का, और आप ये देखो। तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी और इसको अभी रिपोर्ट नहीं करूंगी। हालांकि ये देखिए लाल रंग की, ये दिख रहे हैं ना, बिल्कुल रेड सॉइल है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अभी थोड़े टाइम के बाद जैसे मॉनसून जब आ जाएगा ना, तब इस इनको मैं रिपोर्ट करूंगी। तो ये मुझे मिला है 40 रुपीज़ का और ये मिला है 200 का, ये जो है मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मिट्टी बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है, इसमें बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं बचे हैं और इसको धूप लगा दी है अच्छे तरीके से कई दिन से। मतलब ऐसे तो धूप यहीं पे रखा हुआ है, बारिश अभी देखिए नहीं कोई हमारे यहाँ आई है, 5 जून है। तो जो भी थोड़े बहुत पुराने गमले हैं ना, आप चाहें तो उनमें एक दिन भी 2 दिन भी धूप लगा देंगे ना, तो इतनी तेज़ धूप है और फिर मतलब बहुत अच्छी मिट्टी हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। पुराना कुछ प्लांट प्लांट लगा होता है, कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है कुछ है, तो इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और ये देखिए धूप लगा दिया है, अब इसमें मैं पोषक तत्व तो कुछ बचा नहीं है, तो अब हमें इसमें थोड़ी खाद डालनी पड़ेगी। अब आपको मैं ना खाद की बात चलिए तो मैं बता दूं, अभी मैंने एक बोरी जो है वो गोबर की खाद भी मंगवाई है, उसमें करीब होगी 20 किलो के आसपास होगी। तो देखिए, अगर आप अभी आपको खाद मिल जा रही है तब तो आप ले लीजिए। मैं गोबर की खाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़े दिन बाद जैसे क्या होगा ना, बारिश हो जाएगी, तो उस समय उसके बाद जो है खाद आपको नहीं मिल पाएगी। और नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है, कंपोस्ट है वो तो मिल जाएगी, उससे काम चला लीजिएगा। ये देखिए, ये अभी पैकेट खुला भी नहीं है ये वाली बोरी, तो ये मैंने खाद मंगवाई है और जो खाद मुझे वो मिली है वो गोबर की खाद रहती है, 100 रुपए की मिलती है। अब और क्या कर सकते हैं जब मिलती ही नहीं है आसपास ऐसे, तो वही मैं जो आसपास मुझे उपलब्ध होती है वही मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, ये है बिल्कुल पुरानी सड़ी हुई है गोबर की खाद है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इस मिट्टी में जब हम बरसात के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मैं कोकोपीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। कोकोपीट जो होता है वो पानी को होल्ड करके रखता है, तो कोकोपीट नहीं यूज़ करूँगी। बाकी इसमें सैंड ऑलरेडी मिक्स है, मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पानी रुके नहीं, पानी ठहरे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और नहीं आपके पास गोबर खाद हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। गोबर खाद ये होती है ना, ये थोड़ा सा स्लो रिलीज टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं, धीमे धीमे असर करते हैं, क्योंकि पानी बहता बहुत है। मतलब जब मिट्टी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा, जैसे हम कोई इस पर खाद नहीं डाल सकते क्योंकि वो बारिश में बहुत बह जाती है। तो जितना मैंने अभी ये गोबर खाद डाला है ना, अभी इतना ही और डालूंगी, वो वाला भी जो नई बोरी खोलूंगी उसमें से डाल दूंगी, क्योंकि करीब कम से कम 30% के आसपास तो डालना ही डालना है, 32-40%। ठीक है, इसके बाद इसमें हम डाल सकते हैं ये नीम के पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा रहता है, फंगस से बचा के रखता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो नीम के पाउडर डाल रही हूँ, और नहीं हो आपके पास नीम के पाउडर तो आप ये देखिए हल्दी है, मैं इस तरीके से ये वाला चम्मच करीब, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा चम्मच है, तो इस तरीके से मैं इसको डाल रही हूँ, करीब छोटे से चम्मच, 2 भर भर के चम्मच समझ लीजिए हो गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स करती हूँ, बरसात के जो मिट्टी हम तैयार करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स करने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। बरसात का जो पानी होता है वो अपने आप में ही, अरे प्लांट जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं, बरसात का एक पानी भी पड़ता है ना उनके ऊपर जब, तो वो वैसे ही बड़े खुश हो जाते हैं। और ये तो मतलब मैंने बस इतना जो है एक बेस टाइप का तैयार कर लिया है, इसके अलावा
हम ये जो है ना सी वीड जाइम है, ग्रेनुअल है, ऑर्गेनिक है, तो ये भी डाल सकते हैं अगर हो आपके पास तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। बाकी इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ। और जब मैं कोई प्लांट लगाऊंगी तब उस मतलब प्लांट के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई चीज़ लगेगी मिक्स करने की तो वो मैं ऐड कर दूंगी। जैसे कि मान लो ये है गुड़हल है ना, अगर मुझे गुड़हल लगाना होगा तो मैं वो जो अभी ऊपर आपको मिट्टी मैंने दिखाई उसमें लेके एक दो मुट्ठी जो मैं चाय की पत्ती की खाद बना के रखती हूँ वो डाल दूंगी, थोड़ा सा केले के छिलके होंगे सूखे तो वो डाल दूंगी, वो एक बेस तैयार कर दिया है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो अब इसको मुझे चेंज करना होगा तो इसमें कुछ नहीं, अपना डायरेक्ट ऐसे ही लगा दूंगी। इसी तरीके से जिस समय मेरे पास जो सामान होता है मैं उन्हीं से अपने गार्डनिंग करती हूँ, और कम सामानों में ही कोशिश करती हूँ, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और आप देखते ही रहते हैं बकायदा ये पॉली बैग में, पॉलीथीन में मेरे बहुत सारे प्लांट हैं, छत पे भी हैं। इस टाइम एक्चुअली वही बात है कि 3 साढ़े 3 का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, तो बस इसी तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए बहुत खिलते हैं, बहुत ज़्यादा सब। ये मैंने अभी रुद्राक्ष का जो है लगाया है प्लांट रिपोर्ट किया है, तो अभी थोड़ा सा मुझे इसका अपडेट मिल जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो इसका शेयर करूँगी। तो हालांकि अभी यहाँ पे धूप नहीं आती इस जगह पे मैंने रखा हुआ है, तो अब आप लोगों से मैं मिलूँगी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अभी जल्दी रिपोर्ट नहीं करूँगी जब तक कि थोड़ा सा मानसून नहीं आ जाता है, उसके बाद ही रिपोर्ट करूँगी, और करूँगी तो आप लोगों के साथ फिर उसको शेयर भी करूँगी। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वीडियोज़ का सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।